दो टॉपिक्स हैं, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और दूसरा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन। ये आपका टॉपिक है आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से। इस एस्से के अंदर आपने अग्री या डिसएग्री करना है, इसके अंदर आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है अपने टॉपिक के साथ। आप कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और आप ये भी कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ। लेकिन आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ बिकॉज, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ बिकॉज। अच्छा, आपके पास जो दूसरा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी का पॉपुलर स्लोगन, ये आपको एक जुमला नहीं दिया गया, तो इसके साथ आप अग्री या डिसएग्री नहीं करते। ये एक एक्सपोजिटरी एस्से है। एक्सपोजिटरी एस्से वो एस्से होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं, जो आपको फ्रेज की फॉर्म में दिए जाते हैं, जुमले की शक्ल में नहीं होते। इनकी आपने एक डायरेक्शन बनानी होती है। अब डायरेक्शन इस तरह बन सकती है कि आप जेंडर इक्वालिटी एक पॉपुलर स्लोगन रहेगा, यानी आप ये नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन नहीं है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपने खुद करनी है। अब आप ये कह सकते हैं, इसकी डायरेक्शन आप बनाएंगे, आप कहेंगे जेंडर इक्वालिटी इज जस्ट अ पॉपुलर स्लोगन इन 21st सेंचुरी बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स जेंडर इक्वालिटी इज डिवाइडेड, ह्यूमैनिटी इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका, आपकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि इन 21st सेंचुरी जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप कहेंगे कि इन 21st सेंचुरी जेंडर इक्वालिटी, मुर्तजा बच्चे आपके माइक में से शोर आ रहा है, आप कहेंगे इन 21st सेंचुरी जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस एंड सिविल सोसाइटी इज रेज आर रेजिंग वॉइस फॉर जेंडर इक्वालिटी और आर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी। यानी एक में आप कह रहे हैं कि इट इज जस्ट अ स्लोगन, असल में कुछ नहीं हो रहा, और दूसरे में आप ये कह रहे हैं कि ये एक पॉपुलर स्लोगन है और इसके तहत काम किया जा रहा है। सो एक बात तो ये कि ये दोनों जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आपका एस्से जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो ऊपर वाला एस्से है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इसमें जो आप कहना चाहते हैं वो ओवरलैप करेगा आपके नीचे वाले एस्से के साथ, यानी दोनों में जो बात की जा रही है वो सेम है। यानी देखिए ना, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी नहीं पाई जाती इसीलिए तो आवाज बुलंद की जा रही है जेंडर इक्वालिटी के लिए, या जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। दोनों का मानी एक ही है लेकिन एस्से की टाइप मुख्तलिफ है। अब टाइप मुख्तलिफ होने से मेरी क्या मुराद है? देखिए, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ से मुराद ये है कि जेंडर इक्वालिटी माशरे में पाई नहीं जाती है, इसको अचीव करने की जरूरत है, इट इज डिजायरेबल, ठीक है, और ये होनी चाहिए, इट्स अ बेसिक ह्यूमन कंडीशन विच मस्ट बी फाउंड इन आर सोसाइटी। जब आप कोई आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से वो एस्से है जिसमें आपने एक स्टांस लिया है किसी चीज के ऊपर, आपने एक साइड ली है, तो आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम एस्से के अंदर ही है ना, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसकी कॉजेज बताई और बता दिए उसके सोल्यूशन, ये आपके आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से के अंदर। जबकि आपके एक्सपोजिटरी एस्से के अंदर, एक्सपोजिटरी से मुराद है एक्सपोजिशन करना, एक्सपोज करना, यू आर सपोज टू टॉक अबाउट एवरी थिंग दैट कम्स विद इन द प्रेमिसेस ऑफ दैट टॉपिक। आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब वो जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसके पीछे कॉजेज, इस सेंस में नहीं, जैसे जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन, तो वो पॉपुलर स्लोगन कैसे बन रहा है, किस वजह से पॉपुलर स्लोगन बन रहा है? जाहिर बात है पॉपुलर स्लोगन है तो कुछ इदारे होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि उसके बारे में बात कर रहे होंगे, आवाज बुलंद कर रहे होंगे, तो वो लोग होंगे जो कि बात कर रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी को पॉपुलर स्लोगन बना रहे हैं। वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपकी एनजीओस हैं, वो आपकी सिविल सोसाइटी है। अच्छा, अब आप इसके साथ देखें कि हम, ये भी तो हो सकता है कि हम
उसके लेवल्स बताएं। सो मैं कहती हूं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ स्लोगन, पॉपुलर स्लोगन, बिकॉज इज अ पॉपुलर स्लोगन इन सोसाइटी या सोशल लेवल पे। अगर हम उसको बात करें कि इकोनॉमिक लेवल के ऊपर है, अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है, तो हम तीनों लेवल्स के ऊपर बात कर सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एक पॉपुलर स्लोगन है। हम मुआशरे में से आगे आती हुई औरतों को देखते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को आगे आते हुए देखते हैं, हम पॉलिटिक्स में औरतों को आगे आते हुए देखते हैं, तो हम लेवल्स में भी बात कर सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एक पॉपुलर स्लोगन है, फर्ज करें आप कहते हैं कॉजेज, फर्ज करें आप कहते हैं जी जेंडर इक्वालिटी एक पॉपुलर स्लोगन है, तो मैंने इसकी कॉजेज बताई, क्या वजह है? तो वजह तो उसकी यही है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसके हक में आवाज उठा रही है। अच्छा, एक और वजह भी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उसकी कॉजेज ये हैं कि वायलेंस मुआशरे में पाया जाता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है, जेंडर गैप पाया जाता है। फिर अगर आप कॉजेज को ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी की, इन इक्वालिटी की कॉजेज ये हैं, तो आपको जो सोल्यूशन देने हैं वो सोल्यूशन है आपके, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस एंड आपकी सिविल सोसाइटी आती है। अब आपको पता है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? इस एसे के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जिन चीजों को आप सोल्यूशन में मेंशन करेंगे वो पहले से ही जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे कि जी यूएन ने कुछ नहीं किया औरतों के हकूक के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कॉज सोल्यूशन ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि जिस चीज का आप सोल्यूशन बताने लगे हैं उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, और एक पूरा का पूरा हम देखते हैं कि एक डेडिकेटेड विंग पाया जाता है हर लेवल के ऊपर जो जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रहा है। तो जिस चीज को आप सोल्यूशन बताने वाले हैं वो पहले से ही चल रहा है, तो पॉपुलर स्लोगन बनाने के लिए आपको सोल्यूशन नहीं बताना, आपने उस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये लोग जो है ये पहले से ही काम कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो, चाहे औरतों के तहफ्फुज़ के लिए कुछ तंजीमें बनाई गई हो, चाहे किसी तरह का भी काम हो, आपने उसको मेंशन करना है। यानी सोल्यूशन किस तरह से है कि आपने एक्नॉलेज करना है कि ये सारे काम पहले से किए जा रहे हैं। जबकि ऊपर वाले एसे के अंदर जिसमें आपने कॉज और सोल्यूशन बताने थे, तो आपने कहना था जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, और इस मिथ को रियलिटी बनाने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को चाहिए या आपकी एनजीओस को चाहिए कि वो आवाज बुलंद करें और वो इसको सपोर्ट करें आइडिया को। तो दोनों के लिखने में थोड़ा सा फर्क है, हालांकि आइडियाज ओवरलैप करेंगे, लेकिन जब आप अपने एसे के हेड्स बनाते हैं, बच्चों याद रखिएगा आपकी जो आउटलाइन है ना, ये बताती है कि आपको टॉपिक की कितनी सेंस है, कितनी समझ है, और आपने अपने आइडियाज को किस तरह से ऑर्गेनाइज